मिक्स हो गया है, देखो मैंने अभी डाला है और अभी एक मिक्स भी हो गया है, और इसी से पता चलता है कि जो क्वालिटी होती है प्रोटीन की वो क्या होती है। हे गाइस, वेलकम है आपका मेरे चैनल फिटनेस बाय तेज में। गाइस, आज मैं एक प्रोटीन का रिव्यू करने जा रहा हूँ। जैसे आप देख रहे हो मेरे हाथ में कास्टन अप का प्लांट प्रोटीन के बारे में, जो बिल्कुल 100% वेगन प्रोटीन है और नेचुरल प्रोटीन है, जो कोई भी ले सकता है प्रोटीन है। बट इस प्रोटीन को बताने से पहले मैं एक ब्रीफ में आपको फटाफट बता देता हूँ प्रोटीन का काम क्या होता है। ये आपके मसल को रिकवरी देता है पोस्ट वर्कआउट, और आपकी डेली की जो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होता है उसको पूरी करता है। तो ऐसे ही मैं आज एक प्लांट प्रोटीन के बारे में बात करने जा रहा हूँ। बहुत आजकल मार्केट में प्लांट प्रोटीन्स अवेलेबल हो गए हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं वेगन होना स्टार्ट हो गए हैं। तो मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि वेगन क्या होता है। एक कैटेगरी होती है नॉन वेजिटेरियन की, जो नॉन वेज खाते हैं, मीट खाते हैं, एग खाते हैं, और एक कैटेगरी होती है वेजिटेरियंस की, जो सब कुछ खाते हैं बट नॉन वेज नहीं खाते। और बट आज एक नई कैटेगरी ऐसी आजकल बहुत ट्रेंड में है वेगन की। उसमें होता क्या है कि वेजिटेरियंस की तरह वो भी वेजिटेरियंस होते हैं, बट उनको डेयरी प्रोडक्ट्स का यूज़ नहीं होता किसी भी रीज़न की वजह से, या उनको खाने पसंद नहीं होते, कईयों को स्मेल आती है डेयरी प्रोडक्ट्स में, और कई लोगों को एलर्जी होती है डेयरी प्रोडक्ट्स से, तो इसलिए वो डेयरी प्रोडक्ट्स को बंद कर देते हैं और वेगन हो जाते हैं, और प्लांट बेस्ड जितनी भी चीज़ें होती हैं उनका यूज़ करना शुरू कर देते हैं। तो इसी को लेके आज मैं आपको ये बता देता हूँ कि प्लांट बेस्ड अब प्रोटीन भी आने शुरू हुए हैं। तो इसी तरह प्लांट बेस्ड प्रोटीन भी आने लग गए हैं, और जो लोग प्लांट बेस्ड प्रोटीन का लेना चाहते हैं, वो वेगन है, वो इस चीज़ का यूज़ कर सकते हैं। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस इसके लिए बहुत अच्छा रहा है, क्योंकि मैंने एक्सपेरिमेंट्स में करता रहता हूँ नई नई चीज़ों का, बट मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे किसी चीज़ से एलर्जी है या फिर मैं वेगन हूँ। मैं नॉन वेजिटेरियन हूँ और मैं प्लांट बेस्ड चीज़ें बहुत ज़्यादा खाता हूँ, और नॉन वेजिटेरियन भी वीक में एक या दो बार खा लेता हूँ, और साथ में मैं वे प्रोटीन का यूज़ करता हूँ। इस वीडियो को दिखा रहा हूँ बट मेरा ये मानना है कि वे प्रोटीन जो होते हैं उनका जो मेन फोकस होता है वो मसल बिल्डिंग के लिए होता है, वर्कआउट्स के लिए होता है, और स्पेशली मसल रिकवरी के लिए ज़्यादा होता है, और प्रोटीन की इनटेक का तो डे टू डे लाइफ में फुलफिलमेंट वो करता ही है। इसी तरह इसके भी सारे यही काम है, बट इसका जो डिफरेंस ये है कि ये प्लांट बेस्ड है। और जो लोग सप्लीमेंट्स लेने से डरते हैं, वे प्रोटीन लेने से डरते हैं, या फिर जिन लोगों को बजट जो होता है वो ओवर जाता है, वो नहीं ले सकते, या फिर डाइजेशन की भी प्रॉब्लम है, तो वो ये वेजिटेरियन प्रोटीन ले सकते हैं, प्लांट प्रोटीन, जिससे कि आप अपनी सारे रिक्वायरमेंट फुलफ़िल कर सकते हैं। इसके अंदर भी वो सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, बट ये नेचुरल वे में हैं, और उसमें कुछ इंग्रेडिएंट्स ऐसे होते हैं जो आर्टिफिशियल होते हैं, और उनमें कुछ फ्लेवर्स डाले जाते हैं, फ्लेवर्स इसमें भी हैं बट टोटली नेचुरल है। अगर मैं मसल रिकवरी स्ट्रेंथ की बात करूँ तो इसमें भी BCAA अवेलेबल है, 6 ग्राम ग्लूटामाइन अवेलेबल है, काफ़ी सारे एसेंशियल अमीनो एसिड्स इसमें अवेलेबल हैं, जो आपको मसल रिकवरी में भी काम करेंगे। और साथ में इस प्रोटीन की सबसे अच्छी बात ये है कि ये वाला प्रोटीन कोई भी ले सकता है, जो अपनी डे टू डे लाइफ में प्रोटीन की रिक्वायरमेंट पूरी करना चाहता है, या फिर वो वर्कआउट नहीं करता, बॉडी बिल्डिंग नहीं करता, या फिर कुछ भी अलग अलग तरह की स्पोर्ट्स एक्टिविटी करता है, और वो थोड़ा बहुत अपने मसल को मेंटेन रखता है और अपने आप को फिट रखता है, और चाहता है कि वो प्रोटीन लेना शुरू करे, तो वो इस प्रोटीन का यूज़ कर सकता है। जैसे कि योगा हो गई, या कोई भी बॉडी की एक्टिविटी हो गई, या एक्सरसाइज हो गई, स्पोर्ट्स एक्टिविटी हो गई, या कुछ और तरह की एक्टिविटीज़ हो गई, वॉक ही क्यों ना हो गई, या फिर रनिंग हो गई, कार्डियो हो गई, वो लोग भी इसका प्रोटीन का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आपको डाइजेशन की बात कर रहा था, तो इसमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स अवेलेबल हैं, जो आपको डाइजेशन में दिक्कत नहीं करेंगे। और बहुत लोगों को प्रोटीन लेने के बाद ब्लोटिंग के इशू हो जाते हैं, डाइजेस्ट नहीं होता, या फिर इन्फ्लामेशन तक हो जाती है पेट में, उनके सूजन सी आ जाती है, या अगर आपका फैटी लीवर भी है, या फिर आपको प्रॉब्लम है लीवर में, या वेट लॉस करना स्टार्ट करा है आपने और आप भी हेल्दी नहीं है, तो अगर आप चाहते हैं कि कोई ऐसा प्रोटीन हो जो आपको फैटी लीवर में भी अगर आप यूज़ करना चाहें, तो आप इस प्रोटीन का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसमें ऐसा कोई हैवी पार्टिकल्स नहीं है जो आपको हार्म करेंगे। इस प्रोटीन में एक इंग्रेडिएंट ऐसा है जो आपको एनर्जी प्रोवाइड कराएगा, जो कि है बीट रूट एक्सट्रैक्ट, जो कि बहुत ज़्यादा आपको एनर्जी प्रोवाइड कराएगा और आपको लीवर को भी हेल्दी रखेगा, क्योंकि बीट रूट जो होता है आपके लीवर के लिए एक बहुत अच्छा एक वेजिटेबल है, और वो आपको बहुत एक हेल्दी रखेगा आपके लीवर को। अगर आपका हेल्दी लीवर रहेगा तो आपको कोई भी चीज़ लेने में दिक्कत नहीं होगी, डाइजेशन में प्रॉब्लम नहीं होगी, और आपको बॉडी में ज़्यादा अच्छे से कोई भी चीज़ आप लोगे वो आपको ज़्यादा से अच्छा डिसॉल्व होएगी और ज़्यादा से ज़्यादा डाइजेस्ट होएगी, तो आपको मसल पे ज़्यादा अच्छा इफेक्ट आएगा। दूसरी बात सबसे अच्छी है, जो सबका कंसर्न होता है प्रोटीन खरीदने से पहले कि इसमें कितने ग्राम प्रोटीन है एक सर्विंग में, वो मैं आपको बता देता हूँ कि प्लांट प्रोटीन होते हुए, वेजिटेरियन प्रोटीन होते हुए, ये 31 ग्राम आपको पर सर्विंग में आपको प्रोटीन दे रहा है ये, जो कि एक बहुत ही सोचने की बात है। और
मैं काफ़ी सरप्राइज हूँ कि 31 ग्राम अगर आपको प्लांट प्रोटीन से अगर ये स्कूप मिल रहा है तो आपको इससे अच्छा बेनिफिट क्या मिल सकता है। इसमें मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि एक सर्टिफाइड प्रोटीन है जिसमें कोई भी बैंड सब्सटेंस अवेलेबल नहीं है और बहुत अच्छे से इसको सोच समझ के कंपनी ने लॉन्च किया है और बहुत अच्छे इसमें इंग्रेडिएंट्स का यूज़ किए हैं। और दोबारा से कहना चाहूँगा कि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है इसके लिए, और मैं अगर रेटिंग की बात करूँ तो आउट ऑफ 5 मैं इसमें से 4.5 इसको देना चाहूँगा। ओवरऑल में बात करूँ तो ये जो प्रोटीन है जनरली एक अच्छी हेल्थ के लिए, वेलबींग के लिए अच्छा एक प्रोटीन है जो कि आप ले सकते हैं। अगर आपको लगता है कि मैंने आपको जो इसका रिव्यू बताया है कि वो बहुत अच्छा है, तो आप इसको मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक में जाके कूपन कोड का यूज़ कर सकते हैं। आपको एडिशनल 10% का ऑफ मिलेगा और आपको यहाँ पे मेंशन भी हो रहा होगा मेरे स्क्रीन पे। तो जाने से पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि इसकी क्या क्वालिटी है, कैसे इसको कंज्यूम करना है और कौन कौन से फ्लेवर इसमें अवेलेबल हैं। फ्रेगरेंस की बात करूं तो बिल्कुल ऐसी फ्रेगरेंस है जैसे कि आप किसी कैफ़े कॉफ़ी डे में या किसी कॉफ़ी शॉप में जाते हैं, तो क्योंकि ये जो फ्लेवर है वो घाना कॉफ़ी फ्लेवर है और इसमें इसके जो लोग पुराने हैं, जो जैसे कि मेरी तरह जो लोग हैं, जो लोग काफ़ी टाइम से प्रोटीन का यूज़ कर रहे हैं, उनको जैसे कैप को ओपन करते ही पता चल जाता है कि जो उसकी जो फ्रेगरेंस होती है, जो उसका जो हाथ लगा के जो पाउडर होता है उससे पता चल जाता है कि क्या क्वालिटी है। और इतनी ईजिली ये मिक्स हो गया है, देखो मैंने अभी डाला है और अभी एक मिक्स भी हो गया है, और इसी से पता चलता है कि जो क्वालिटी होती है प्रोटीन की वो क्या होती है और उसका जो मिक्सिबिलिटी होती है, टेस्ट होता है उसकी, जो फ्रेगरेंस होती है, जो उसकी जो फ्लेवर होते हैं, उनसे पता चलता है कि ये जो प्रोटीन है उसकी क्या क्वालिटी है, अच्छी क्वालिटी है, बेकार क्वालिटी है, कैसी क्वालिटी है। अब मैं इसको ट्राई करता हूँ क्योंकि मैंने अभी जो बॉक्स मंगाया था उससे पहले वो फ्लेवर जो दो था वो दूसरा था और ये वाला जो फ्लेवर है वो डिफरेंट है, क्योंकि मैं फ्लेवर चेंज करता रहता हूँ एक ताकि मेरे को भी बोर ना हो मैं एक ही तरह का फ्लेवर से ड्रिंक कर करके। काफ़ी अच्छा फ्लेवर है, लग रहा है कि प्रोटीन पिया है क्योंकि काफ़ी थिक है और काफ़ी फाइन क्वालिटी है इसकी, और अच्छा लग रहा है मुझे पी के, क्योंकि जो प्रोटीन इतने अच्छे नहीं होते पीने में उनको देख के या पी के ही पता चल जाता है, एक सिप में ही पता चल जाता है कि वो क्या क्वालिटी है। ओवरऑल एक्सपीरियंस मेरा बहुत अच्छा है इसके लिए। अगर आप भी चाहते हैं कि ये वाला प्रोटीन आप ट्राई करें या आप कोई लाइट प्रोटीन लेना चाहते हैं, और एक बात और बताना चाहूँगा, जो लोग बिगनर हैं जिन्होंने कभी प्रोटीन नहीं लिया और वो घबराते हैं कि हम कौन सा प्रोटीन लें, उनके लिए ये बेस्ट प्रोटीन है। अगर आप चाहते हैं कि आपको बेस्ट रेट में मिले ये, तो मैं आपको बता देता हूँ, डिस्क्रिप्शन में कूपन कोड दिया हुआ है, आपको यहाँ पे स्क्रीन पे भी शो हो रहा होगा, इस पे आप क्लिक करके कूपन कोड से बाय कर सकते हैं। आपको एडिशनल 10% का ऑफ मिलेगा और काफ़ी अच्छा आपको और भी एडिशनल डिस्काउंट्स मिलेंगे। आते जाते मैं आपसे ये बात कर लेता हूँ कि अगर आप प्राइस की बात कर रहे हैं तो प्राइस इसका क्या होगा, इसमें फ़्लेवर कौन कौन से अवेलेबल हैं। 4 फ्लेवर अवेलेबल हैं और एक अनफ्लेवर्ड है। जो लोग गेनिंग कर रहे हैं या फिर कुछ एडिशनल इसमें ऐड करना चाहें तो वो अनफ्लेवर्ड का ले सकते हैं, जिनके पास ऑलरेडी कोई फ्लेवर में काप्स हैं या गेनर है वो लोग इसमें अनफ्लेवर्ड डाल के भी इसको यूज़ कर सकते हैं। और अगर मैं फ़्लेवर्स की बात करूँ तो वनीला कप केक, घाना चॉकलेट, मैंगो, मिल्क कॉफ़ी फ्लेवर है जो कि काफ़ी अच्छे डिफरेंट फ्लेवर्स हैं। उम्मीद करता हूँ मेरे आज की ये जो 5 Sun Up का जो रिव्यू है इसके ऊपर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। जाते जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना जो लोग मेरी वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, और जो लोग लगातार मेरी वीडियोस को देख रहे हैं उनके लिए मैं थैंक्स कहना चाहूँगा और प्यार कर रहे हैं, मुझे सब्सक्राइब कर रहे हैं, उनसे बस यही कहना चाहूँगा कि कोई भी बंदा अगर चाहता है कि वो अपनी वेलबींग के लिए या अपनी फिटनेस के लिए कुछ अच्छी चीज़ें उसको गाइडेंस मिले, तो प्लीज़ मेरे वीडियोज़ को लाइक और शेयर जरूर करना, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करोगे तो मुझे हमेशा की तरह, जैसे मैं बोलता हूँ, कि मोटिवेशन मिलता रहेगा, और आगे और मोटिवेशन मिलेगा तो मैं और नई नई वीडियोस लेके आता रहूँगा और आप लोगों को हमेशा फिट और हेल्दी रखने की कोशिश करता रहूँगा और मोटिवेट करता रहूँगा ताकि आप लोग भी फिट रहें। तो जल्दी ही मिलता हूँ एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।